जिस समय अमर सिंह नाम के बड़े ही धनवान पुरुष रहते थे, जिनके घर में 5 लड़का और 1 लड़की थी। सबसे छोटी थी, घर के सब लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। सबसे बड़े भाई का अपनी बहन से बड़ा हित था। जब वो लड़की शादी के लायक हो गई, और जब शादी के लायक हो गई है, तब उस भैया ने विचार किया कि मेरी बहन विवाह के लायक है, हमें अपनी बहन का विवाह करना चाहिए। सोचने लगा कि सियानी है बहन हमारी, कई देव हमारिया डारी। सियानी बहन हमारी, देव हमारे डारी। बड़ा भाई विचार करने लगा कि हमारी बहन शादी के लायक है, बड़ा खुश हुआ। चलो है भैया पर ढूंढन को, तन तन करी अबारी। ऐसी जगह करूं मैं शादी, जहां बहना रहे सुखारी, भलो मिल जाए परिवार, देव हमारिया दारी। भलो मिल जाए परिवार, देव हमारे दारी। बड़ा भाई सोचता जा रहा है कि कहीं हमें परिवार अच्छा मिले, जहां हमारी बहन सुखी रहे, हम अपनी बहन का विवाह करें। ऐसा ही नहीं, शादी तय कर सोच न लागो, हाय बढ़िया बरात बुलाई। इकली बहन हमारी घर में दौलत खूब लुटे हैं, भाव शादी को तैयार अबा, देव हमारे दारी। भाव शादी को तैयार अबा, देव हमारिया दारी। ऐसा ही नहीं, भैया ने जब देख लिया कि परिवार अच्छा है, लड़का भी तंदुरुस्त है, हमारी बहन आनंद के साथ जिएगी, दौलत का घर में कोई ठिकाना नहीं था, भैया सोचने लगा मेरी अकेली बहन है, मैं अपनी बहन का विवाह अच्छे परिवार में ही करेंगे। लई बरात बुलाई भ्रातनी, करी बहन की शादी। अरे मिलजुल के पांचो भैयन ने बहना जेबर से लादी, चली कमला ससुराल, दई भमरिया डारी। चली बहना ससुराल, दई भमरे डारी। चली बहना ससुराल, दई भमरे डारी। जनों, जिस समय भैया ने अपनी बहन का विवाह तय कर दिया है, और शादी तय करने के बाद में बारात बुलाई, बहुत सारा धन दान में दिया, घर में दौलत की कमी नहीं थी, और बहन की शादी की है, पांचों भाइयों ने अपनी अकेली बहन को बहुत कुछ दान में दिया, भले परिवार की लड़की। और जब भले परिवार में ही पहुंची, सबसे छोटी बहन कमला, जिस समय अपने भाई मां पिता परिवार को छोड़ करके ससुराल की ओर जब चली है, दोस्तों उसी वक्त अरे छूट गए भैया और वो जाए।
सब भैया ने बिहन समाधाई। भक्तों, जिस समय भाई समझाने लगा और कहने लगा कि बहन घबराओ नहीं, हम तुम्हें बहुत जल्दी बुला लेंगे, क्योंकि तुम्हारे बगैर इस आंगन में मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, बहन अपने परिवार को छोड़ करके, माता पिता के प्यार को छोड़ करके अपने पति के साथ ससुराल में चली आई है। आरती हर से मुख मोड़ी, भ्रात को छोड़ ससुरे में आई। अब बीत गयो कछ समय, रे भैया से नहीं मिल पाई। बहुत दिन हो गए बहन अपने भाई से मिलने नहीं पाई। यहां तक हुआ धीरे धीरे बरसे सी बीत गई, बहन के गर्भ से एक बालक पैदा हो गया। दोस्तों, बहन के गर्भ से बालक पैदा हो गया, तब तक भैया और मां से अर्थात अपने परिवार के लोगों से नहीं मिल पाई। धीरे धीरे बहन के हृदय में भावना यह बनी, बहुत दिन हो गए मेरे भैया के पास कोई मेरी सूचना भी नहीं पहुंच पाई और ना ही मेरे भाई ने मुझे बुलाया। अब सावन का महीना है, सावन के महीना में जाऊंगी अपने भैया के पास के लिए अवश्य जाऊंगी। और ऐसा ही नहीं, सोचने लगी कि मैं भावज से मिल आऊंगी, भैया के राखी बांधूंगी। दोस्तों, काफी समय के बाद में सावन के महीना में जब अपने मां भाई पिता भाभियों की याद आई, तो बहन कमला के हृदय में भावना बनी कि मैं अपने भैया के पास मिलने के लिए अवश्य जाऊंगी। कुछ दिन रुकने के बाद में चली आऊंगी। उसके बाद अपनी सास से जवाब दिया, मां मेरा भाई किसी उलझन में फंसा हुआ है, मेरा भैया मुझे बहुत चाहता है, मेरी भाभियां मेरे बगैर खाना तक नहीं खाती थीं, मेरी मां रोती होगी, इसलिए मां अगर तुम कहो। है सावन को महीना, मैया में मायके में जाइए। सास के पैर पकड़ करके एक बहन कमला कहने लगी, मां बहुत दिन हो गए, मैं अतिशीघ्र लौट करके आ जाऊंगी, यहां तक कि मैं अपने बालक को भी ले जाऊंगी, इसे भी ननिहाल दिखा करके ले आऊंगी, जिस बच्चे की उम्र मात्र 2 महीने की थी। ऐसा ही नहीं, भ्रात
जवाब दिया कि माँ मैं जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी और बहुत जल्दी लौट करके आ जाऊंगी, इसलिए तुम हमें भेज दो। सास ने मना किया और जवाब दिया, बेटी तुम कहीं मत जाओ, और अगर जाना है तो अपने भैया को खबर भेज दो, वो यहां चले आएंगे, और ऐसा ही अगर करना है तो तुम्हारे पति को अभी फुर्सत नहीं है, हम अपने लड़का को तुम्हारे साथ भेज देंगे, अकेली कहीं मत जाओ। कहने का मतलब यह है भक्तजनों, बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चलने के लिए तैयार हो गई। जब चलने के लिए तैयार हो गई तब प्रेमचंद, बड़े घर की लड़की, और जब चलने को तैयार हुई, अब केवल बहनों में इतनी भूल है कि जब पीहर के लिए जाती हैं या रिश्तेदारियों के लिए जाती हैं तो आधुनिक युग में वो कहानी है कि शरीर को सजा करके, सोने से ढक करके, जिसमें अपना सम्मान समझती हैं, आज वही कमला, कमला कि कमला करन लगी सिंगार, थी वो बड़े घरन की नारी। सावन के महीना में अपने मां से मिलने के लिए तैयार जब हुई, लेकिन सिंगार करने लगी, और वो क्या था सिंगार, बड़े घरों की लड़की, धनवान घर में जिसका विवाह हुआ, पाए में बजनी पायल सोए, पाए में बजनी पायल सोए, कमर कंधनी मन को मोहे, कमर कंधनी मन को मोहे, और सुंदर बिछुआ सोने को है, चूड़ी लीनी दार थी वो बड़े घरन की नारी। कमला करन लगी सिंगार थी वो बड़े घरन की शरीर गहनों से सजाने लगी, अपने उस मासूम बच्चे को गोद उठाया, अपने भैया से मिलने की इच्छा लेकर के, और जब सिंगार करने लगी बहन, अरे कानन में कुंडल ले डाली, कानन में कुंडल लिए डारी, गले में हार की शोभा प्यारी, और नथुनी की छवि सबसे न्यारी, सज के बहन भई तैयार थी वो बड़े घरन की नारी। सिंगार पैर से लेकर के चोटी तक गहना ही गहना सब जेवर लाद करके बहन चली है, लेकिन सुनो हमारी माता बिना,
आज के युग में न पहना गहना। सुनो हमारी माता बिना, आज के युग में ना पहनो गहना। मानो यदुवंशी का कहना, गाय कहीं ब्रजेश कुमार थी वो बड़े धर्म की नारी। कमला का रंग लगी सिंघार थी वो बड़े धर्म की नारी। भक्त जनों, आज बहन सिंघार करने के बाद में, बहुत जेवर शरीर के ऊपर धारण करने के बाद में जब चली है अपने भैया से मिलने के लिए, सास ने तो बहुत मना किया और ये कहा कि जब हमारा लड़का आ जाए तब तुम चली जाना, अकेली मत जाओ। लेकिन बहन नहीं मानी और अकेली अपने भैया से मिलने की इच्छा लेकर के सावन के महीने में उस दो महीने के मासूम बच्चे को गोद उठा करके चली पीहर के लिए चली। अरे जेबर तन पे धार चली सुकुमार न देर लगाई, और दो महीना को बेटा लो उठाई। जरा से बच्चा को गोद लेती है, अपने भैया से मिलने की इच्छा लेकर के चली है। जेबर तन पे धर चली सुकुमार न देर लगाई, दो महीना को लला के लो है उठाई। पहुंची गई आई कई समझ आई बहु बतलाई, तुम आइयो जल्दी लौट चैन दिलाई। सास पहुंची गई आई कई समझ आई बहु बतलाई, तुम आइयो जल्दी लौट चैन दिलाई। जनों, उस मासूम बच्चे को गोद उठा करके बहन ने धन हाथ में लिया है, सिंगार करने के बाद में जब चली है तब सास ने बताया और जवाब दिया कि तुम्हारे बगैर मुझे चैन नहीं आता, इसलिए तुम पहली बात तो यह है मत जाओ अकेली, और अगर अकेली जा रही हो तो बहुत जल्दी लौट करके आ जाना। उसी समय बहन ने सास के चरण स्पर्श किए हैं, दो महीने के उस बच्चे को गोद उठा करके अपने भैया के लिए राखी ले ली। आगे को बढ़ती हुई भैया से मिलने की इच्छा लेकर के चली है। लेकिन दोस्तों, अरे दिल में थे अरमान, भ्रात के राखी बांधूंगी रे, भ्रात के राखी बांधूंगी, सब सखियन से मिलके फिर ससुरे में आऊंगी। खबर ना उन्हें अगारी की रे, खबर ना उन्हें अगारी की, और जान सके नहीं कोई कभी लीला गिरधारी की। लीला गिरधारी
आई पहुंच नहीं सकी द्वारे पे। भक्तो भैया से मिलने की इच्छा लेकर के बहन आगे बढ़ी है और जिस समय गांव के किनारे पर पहुंची घर नहीं पहुंच पाई। वहां बदमाश गए आई लाखों को जेबर देख लिए, ए लाखों को जेबर देख गए हैं मन में ललचाई पकड़ लई बहना जाई है रे पकड़ लई बहना जाई है और धूल मेरे अरमान देख ना पायो भाई है। दोस्तों इधर बहन अपने उस बच्चे को लेकर के भैया से मिलने की इच्छा लेके चली है लेकिन रास्ता में बदमाश मिल गए। अकेली एक स्त्री को जाते हुए निहारा जिस पर लाखों रुपए की दौलत देखी बहन को घेर लिया और जब बहन को घेर लिया चारों तरफ से तो वो बहन घबरा गई और कहने लगी भैया लेकिन बदमाशों ने कुछ नहीं सुना। बहन के अरमान धूल में मिलने जाने लगे। ऐसा ही नहीं लेकिन बदमाशों ने कुछ नहीं सुना। बहन के अरमान धूल में मिलने जाने लगे। ऐसा ही नहीं अरे दशा देख बदमाशन की के बहन धर चिंगारी। जवाब दिया एक बदमाश ने दूसरे से इशारा किया कि अब क्या देख रहा है अरे इसके साथ कोई नहीं है ले चलो इसे। महाराज गए झाड़ी में बहन लिवाई और बच्चा छीन की गोदी से तब दूर फेंकी न हो जाए। अब तो धूल मिले यार मान मिलो ना माँ पे भाई है भैया धूल मिले यार मान के राखी बांधे न पाई है किरण धूल मिले यार मान के राखी बांधे न पाई है। दोस्तों बहन को पकड़ करके घसीटते हुए बदमाश लाखों रुपए की दौलत निहार करके गहना देख करके माल जेबर को निहार करके एक झाड़ी में बहन को खींच करके ले गए। 2 महीने के उस मासूम बच्चे को गोद से छीन करके दूर फेंक दिया। बहन विनती करने लगी लेकिन उन दुराचारियों ने बहन की करुणा भरी आवाज नहीं सुनी। अपनो कोई नहीं बा थर थर कांपेगा सिसक सिसक रो बन लगी जोरे दोनों। उस मासूम बच्चे को छीन करके जब अलग फेंक दिया भूख से वो बालक तड़प रहा है लेकिन बहन के शरीर से उस जेवर को बदमाश उतारने लगे। ऐसा ही नहीं आंखों में आंसू लेकर के बहन रो करके कहने लगी भैया अरे आंख न आंसू भरे ढुरक के गए काल पे आई
ना मिले पिता और माता भात के राखी बांध न पाई सोचने लगी अब क्या होगा। अरे एक तरफ बेटा तड़फे एक और रोए महतारी भाई एक तरफ बेटा तड़फे एक और रोती महतारी रे और रोबे छाती पर तभी वो तब एक ने इशारा किया कि इससे जेवर कुछ ही नहीं लिया, लेकिन अगर इसने किसी से कुछ कहा तब क्या होगा, इसलिए इसे मार देना ही उचित है। कटारी निकाली तो बहन ने रो करके इशारा किया, भैया मैं जेवर सभी उतार भात में तुमको अभी को भैया मैं कभी न जिक्र चलाऊंगी। कोपाल मेरे बेटा को नादा नहीं उम्र को मारो रे, लेकिन बहन की बात न पे नाई तरस विचारो रे। बहन तड़पती रही, विनती करती रही, आंखों में आंसू लेकर के जवाब दिया, भैया जितनी भी दौलत है सब ले जाओ, लेकिन हमें मत मारो, मेरे मासूम बच्चे को कौन पालेगा, कौन पालेगा। मैं कभी कोई जिक्र नहीं चलाऊंगी, किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन हमें मेरे बच्चे की खातिर छोड़ दीजिए। लेकिन भक्त जनों, उन राक्षसों के हृदय में रहम नहीं आया, दया नहीं आई। बहन जो बदमाशों के बीच में घिरी हुई थी, वहां उन्होंने अरे नाई दिल में दया बिचारी लेके कतारी बहन के मारी। क्या था विधि का विधान, दिल के अरमान धूल हो गए, कहां बिछड़ गई मां, कहां मिल पाया भाई। राखी राखी भी हाथ से छूट गई उन दुराचारियों ने। नहीं दिल में दया बिचारी लाके कतार बहन की मारी। अरे सब जेवर लो उतारी तड़पे उधर कुमार तारी। दोस्तों बहन के कटार मार दी, सब जेवर उतार करके बदमाशों ने जरा भी तरस नहीं किया। बालक जो दूर फेंक दिया था वो बालक भूख से तड़प रहा है, इधर बहन बेहोश हो गई। ऐसा ही नहीं, उन बदमाशों ने अरे जेबर लाई उतारी रे भजबे की लाग लगाई। हाय जेबर लाई उतारी रे भजबे की लाग लगाई। उधर
गयो तड़ फिरे माई बाहर किस्मत। दो महीने का बालक मां से कुछ दूर पर पड़ा हुआ था, भूख से जिसका चेहरा सूख गया था। एक ओर कटारी लगी है, मां तड़प रही है, दूसरी ओर बालक तड़प रहा है, लेकिन मां के शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो उठ करके अपने बच्चे को गोद ले लेती। ऐसा ही नहीं, बेटा तक पहुंचे सोचे बेचारी, आए मेरो बेटा भूख से तड़प तड़प के यहां मर जावे गो, अंदर बालक तड़प तड़प के भूख से यहां पे मर जाए गो। भक्तो, बहन एक ओर तड़प रही है, बालक जरा सा दूसरी तरफ पड़ा हुआ है, लेकिन शरीर में वो ताकत नहीं थी जो उठ करके अपने बेटा को गोद ले लेती या उसे दुग्ध पिलाने के बाद में उसे खामोश कर लेती। बहन उधर जब रोती रही, बालक उधर तड़पता रहा, लेकिन बदमाश उस जगह से जेवर लेकर के चले गए। कुछ देर के बाद में प्रभु गति अपरंपार सुना नर नार के ध्यान लगाई, अब भाई रास्ता से आएगा कमला बेटी को भाई। जहां वो बहन सिसक रही थी, खून से लिसी हुई बहन पड़ी थी, जो बड़ा भाई अपनी बहन को सबसे ज्यादा चाहता था, अकस्मात घूमता हुआ उसी रास्ते से निकल करके जा रहा था। ऐसा ही नहीं, परंपर सुनो नर नर के ध्यान लगाई और भाई रास्ता से आई गौ कमला बिना को भाई। जैसे ही भैया निकल करके उस रास्ते से चला, लेकिन बहन खून से लिसी हुई पड़ी थी, बालक दूसरी जगह पड़ा हुआ था। लई बहन पहचान भाव हैरान के गोद उठाई, मेरी बहना दी जो मोको बोल सुनाई, मेरी बहना दी जे मोको बोल सुनाई। भक्तजनों, जैसे ही भैया ने अपनी बहन को पहचाना, तुरंत गोद में उठा लिया, रोने लगा और कहने लगा, बहन क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? बहुत समय तक बहन की आंखें नहीं खुली। ले बहना को गोद में भैया रो चिल्लाए, सुन के रुधन भ्रात को हो सुगो कछुआई। जब भैया पूछने लगा, बहन उठो, क्या हुआ, तुम्हारी ये दशा किसने की है? बहुत समय के बाद में बहन को होश आया। और जब मुंह से कोई जवान से बात नहीं निकली है, तो अपने भैया से इशारा किया कि भैया उस बच्चे की ओर देखो। भैया ने झपट करके उस मासूम बच्चे को गोद उठाया, बहन के पास लाया, लेकिन वो बालक भूख से तड़प तड़प करके, जिसका गला सूख गया था, यहां तक हुआ कि वो बालक मर चुका था। और जब वो बालक मर गया, उस समय मरे लाल को देख के तब मैया धर चिंगारी, जरा से बच्चे को जिस समय मरा हुआ देखा, अपनी पीड़ा को भूल करके बच्चे को मुंह लगा लिया और मां बिलखने लगी, मारे लाल को देख के कह मैया धर चिंगारी, हाय आओ तो कछु हो सरे
हो सबे होश भैया फिर महतारी, जरा सा कुछ होश आया दोबारा फिर बेहोश हो गई। महाराज व्रत ने लीनी गोद उठाए, पानी डालो है मुख में तल गो होश कछु आए। अब बोले ले हिलकी बहना ने जब गिला सुनाई है, अब तो ले ले लकी बहना ने जब गिरा सुनाई है। अपने बालक को मरा हुआ देख करके बहन पछाड़े खा करके बिलखने लगी, भैया के गर्दन में बांह डाल करके रोने लगी और कहने लगी, भैया केवल मेरी यही एक इच्छा थी कि हम तुम्हें देखें। मेरी सास ने मुझसे बहुत मना किया कि तुम अकेली मत जाओ, रक्षाबंधन का त्योहार निहार करके मुझसे रुका नहीं गया। इसलिए भैया अब मेरे पास में समय बहुत कम है। मैया के जाए वीर लेकर तू कर दाइये कलाई रे, सब धूल हो गया भैया, अरमान सब धूल हो गया। तेरी बहन सदा सदा के लिए जा रही है, मेरा बालक मुझे छोड़ करके चला गया, बदमाशों ने मुझे लूट लिया है। इसलिए भैया मेरी जिंदगी का कुछ समय बाकी है, और तेरी अभागिनी बहन भ्रात तेरा राखी बादल आई जाए रहो, अरमान देख नहीं पाई मैंने भजाई रे। तेरी अभागिनी बहन भ्रात तेरा राखी बांधल आई हो रे। बताई दे मेरा भैया कैसे पिता और माई रे, इतनी कह के भैया की तब पकड़ी झपट कलाई रे। दोस्तों जिस समय बहन से सिकने लगी है और भैया से कहने लगी है कि भैया सदा सदा के लिए हम तुम पांचों भाइयों को छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए आखिरी सांसों में तुम हमसे राखी बंधवा लीजिए। भैया ने अपनी छोटी बहन के सर को लेकर के अपनी गोद में रखा, आंखों में आंसू लेकर के जवाब दिया, बहन आरी तेरे बिन के बिहनारी में किन से बिना कहे, हाय तेरे बिन के बिहनारी में किन से बिना कहे। सावन को महीना बिहना राखी किन सब नहीं,
दोस्तों, जिस समय भैया अपनी बहन को लेकर के सिसकने लगा है, उसी वक्त बहन ने इशारा किया कि भैया वक्त ज्यादा नहीं है, मेरा अरमान दिल का दिल में चला जाएगा, इसलिए भैया अपनी कलाई इधर बढ़ा दीजिए। मरती हुई सांसों में बहन ने, अरे बात के राखी मर गई बहना, क्या था विधि का विधान, क्या था किस्मत का खेल, बांध के राखी मर गई बहना, रह गए खुले खुले दो नैना, मिथ्या छोड़ गई सब सपना, अरे अब देश न कोई है अपना, दोस्तों बहन भैया की कलाई में राखी बांधने के बाद बहन का सर भैया की गोदी में एक तरफ को ढुनक गया, बहन खत्म हो गई, और जब बहन खत्म हो गई तो भाई अपनी बहन की लहस को लेकर के रोने लगा और सोचने लगा, बहन तुम अपना फर्ज तो अदा कर गई, पांच भाइयों के बीच में केवल तू ही एक अकेली बहन थी, तुम राखी बांधने के लिए आई और राखी बांधने के बाद में तुम तो सदा सदा के लिए चली गई, अब हम तुम्हें क्या दें, क्या दे तुम्हें भेंट में। उसी समय उस भैया ने, जो अपनी बहन को सबसे ज्यादा चाहता था, उसी वक्त अरे लेके बहन की लाश रे भैया ने कटारी मारी, बड़े भाई बहन का प्यार, भैया ने सोचा कि मैं तुम्हें भेंट में क्या दे बहन, अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मरी हुई बहन को निहार करके लेके बहन की लाश रे भैया ने कटारी मारी, और कछु नहीं पास में क्या दे भेंट तुम्हारी, अपनी बहन की लाश को निहार करके भैया ने कतारी मारी, महाराज बहन ढंग भैया गिर गया है, और भेंट बहन को देवे को जब भैया मर गया है, बारे धन्य धन्य करतार तेरी लीला समझ में ना आए, बारे धन्य धन्य करतार तेरी लीला समझ में ना आए। दोस्तों बहन के साथ में भाई ने भी जान दे दी, बहन को अपनी जान ही भेंट में दे दी उस राखी बांधने के बदले में। अब बहन और भाई, तीसरा वो बालक, ये तीनों जहां मरे हुए पड़े थे, कुछ समय के बाद में जुरी आए नर नर कलाश निहारे रोई महतारी, बेटी और बेटा की एक संग के घर से रही बनारी, मां बिलखने लगी, पिता वहां आ गए, सारे गांव के लोग एकत्रित हो गए, मां सोचने लगी आज अपने बेटा और बेटी दोनों को मैं घर से एक ही दिन एक ही साथ बना रही हूं, ये क्या हुआ। भैया की नारी के छाती भर रही किलकारी, विधिगत या परंपर सुनो नर नारी, कोई विधिगत या परंपर सुनो नर नारी,
भक्तों, जिस समय बहन और भाई की लहस पर परिवार के लोग सब सिसकने लगे हैं, रोने चिल्लाने लगे हैं, लेकिन वहां परिणाम कुछ भी नजर नहीं आया। आज उन दोनों की लाश को लेकर के शमशान में जलाने के लिए गांव के लोग चले हैं। जिस समय चारों भाई जो शेष रह गए थे, वो माता पिता परिवार के लोग भाभियां सब लहस को निहार करके पछाड़े खा रहे हैं, बिलख रहे हैं। उसके बाद अरे दोनों की लहस परिवार के लोगों ने, अरे दोनों की लहस उठाई। और शमशान पहुंच गए जाई, जिस समय मां बहन की लहस को निहार करके रोती चिल्लाती रही, उसके बाद में सब लोगों ने मिलकर के, अरे भैया बहन की लहस में जब दीनी आग लगाई, बाहरे विधाता बाहरे परमात्मा, कहां एक बहन, बहन के पीछे भाई ने अपनी जान दे दी। भैया बहन की लाश में जब दीनी आग लगाई, और जो छोटा सा बच्चा रे नदिया में दो बहाई, महाराज देख के रोवे नर नारी, हाय कहने का पीछे बहना की भाई है ख्वारी। शमशान में जल रही है भैया बहन के दोनों की लहस, शमशान में जल रही है भैया और बहन की लहस, हाय शमशान में जल रही है। भक्तो, जिस समय बहन और भाई दोनों की लहस को ले जाकर के शमशान में जला दिया गया है, मासूम बच्चा जो खत्म हो चुका था बहन का, उस बालक को लेकर के नदी में बहा दिया गया है। इस तरीका से बहन ने अपने भाई के राखी नहीं बांध पाई, और जब बांधी तो आखिरी सांसों में, लेकिन उस भैया ने राखी के बांधने के बदले में अपनी बहन को अपनी जान ही अर्पण कर दी। धन्य है ऐसे भाई को, धन्य है ऐसी बहन को जो अपने भैया की राखी बांध रहे हैं तो अपनी जान दे बैठी। इसलिए दोस्तों, केवल मेरा सिर्फ कहना यही है, अरे हाथ जोड़ के विनती में
सुनियो माता बहना।